सो फाइनली हमने हमारी गाड़ी ले ली है, ली मतलब ले रहे हैं मतलब मैं लेने का ज्यादा ही शौक हो गया आज। Hey, hi, very good morning guys. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जेसिका। दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मेरी तो काम वाली आंटी नहीं आई तो मुझे सारा काम करना था, तो मैंने सारा काम किया, ऑलमोस्ट सारा झाड़ू पोछा सब कुछ, बेड बेड सब। अब मैं जा रही हूँ जैनेट को छोड़ने। मैं तो उसी को फोन देते हैं। चलो चलो चलो, वहाँ से तो खुला ही रहता है, एक खुला ही रहता है ना। चल दोनों जा। सो चलिए चलते हैं, बारिश तो हो रही है अभी भी। सो आज भी हम लोग ऑटो में हैं और जैनेट को छोड़ने आए हैं। जैनेट को छोड़ के आ चुके हैं और अब थोड़ा सा कुछ खाएंगे, एक पराठा और सब्जी, ये है आलू की सब्जी। मैंने कल ही सोचा था हम ना आलू नहीं खाएंगे और मेरे घर में आज आलू ही बन गया। चलो बड़े वो जो भी है, एक ही रोटी तो खानी है और साथ में है क्यूकुम्बर। ये सब चीज़ें मैं खा लेती हूँ और फिर मैं आपसे वार्तालाप करती हूँ थोड़ी देर में। सो चलो आहान को छोड़ने चलते हैं। तो हम लोगों को जहाँ आना था हम आ चुके हैं, हम लोग आए हमारी गड्डी लेने। चलो ग्लास का कुछ हुआ। सो फाइनली हमने हमारी गाड़ी ले ली है, ली मतलब ले रहे हैं मतलब मैं लेने का ज़्यादा ही शौक हो गया आज। चलो चलते हैं। सो मेरी डुगोरा नहीं आ गई, हूँ लेके चलने हैं सीधा। बच्चों को भी कलेक्ट करना, अब देखते हैं अभी बच्चों को पिक करेंगे या फिर सीधा घर जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम अपनी गाड़ी में आके बैठ चुके हैं और गाड़ी आ गई है। बहुत अच्छा काम किया है, किसी भी सर्विस सेंटर से अच्छा काम किया। हमने इस बार बाहर गाड़ी दिखाई और बहुत अच्छा रिस्पांस था गाड़ी वालों का। इन्होंने इतने प्यार से हैंडल की गाड़ी की, मतलब लुक बता देती है कि वो बेचारी कैसे ट्रीट हुई है। तो दे ट्रीटेड वेरी वेल एंड बस अभी घर लेके जा रहे हैं इसको। मतलब पहले भी हम लोग जब शोरूम में भी लेके जाते हैं ना सर्विस सेंटर में ऑथराइज में, तो वो लोग भी इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते। मतलब मुझे कुछ ना कुछ कंप्लेन हमेशा ही रही है, कभी कुछ स्क्रैच मार दिया, कभी कुछ खराब कर दिया, बट हाँ इस बार आई एम सेटिस्फाइड। जिनको दी उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। हाँ। बहुत अच्छे से सारी चीजें लगा दी, दो तीन का टाइम लिया और एकदम परफेक्ट। और हाँ, प्राइस भी रीजनेबल लिया। अदरवाइज तो सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाओ ना, वो लोग जो है एक तो कोऑपरेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, दूसरा प्राइस भी उनके ऐसे रहते हैं कि नॉन रियलिस्टिक प्राइस रहते हैं। मतलब सर्विस वाले आपकी धाकी चिक्की करके मानते, इतना एक्सट्रीम प्राइस होता है। मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए की है ना, उन्होंने सीधी आपको 50 रुपए बोलनी है। हाँ। देखो वो बिजनेस खोल के बैठे, गलत वो भी नहीं, लेकिन अगर आप एक दिमाग वाले नागरिक हैं और एक ग्राहक हैं किसी भी कंपनी के, तो अपना दिमाग दौड़ाइए, थोड़ी सी चीज़ों को बाहर जाके सर्च आउट कीजिए, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। पर हाँ, जिसके हाथ में भी बाहर गाड़ी सौंपे, थोड़ी उनके बारे में भी स्टडी करो। मतलब आप ये लगे कि मेरे को ना हमारा एसी कई टाइम से नहीं चल रहा था, बट मैंने दी नहीं गाड़ी किसी को, हम लोग बिना एसी के रह लिए। बट हाँ, उसका रीजन ये था कि गलत हाथों में गाड़ी नहीं पड़नी चाहिए, तो पहले मैंने एक प्रॉपर एक ऐसी जगह तलाशी जो अच्छा काम करते हैं और मतलब सेटिस्फैक्ट्री वर्क करें, तो व्हीकल शुड बी इन सेफ हैंड। क्योंकि ऐरे गैरे किसी बंदे के हाथ में जाता है ना, तो ठीक होने की बजाय खराब होके आ जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए था। थोड़ा पेशेंस रखा, सही टाइम जैसे ही आया करा के। बेचारे ने बिना एसी के काम चला लिया। देखो बीवी के बिना काम नहीं चलता है, यहाँ पे देखो एसी के बिना भी काम नहीं चलता है ना, वैसी वाली सिचुएशन थी। लड़कों की हमेशा दूसरी बीवी उनकी गाड़ी होती है ना। ये लड़के अपनी पहली बीवी को, जो उनकी खुद की बीवी होती है, उसको इतना प्यार से रखे ना रखे, ध्यान दे ना दे, ताला अपनी गाड़ी को तो ऐसे चमकाएंगे, ऐसे प्यार करेंगे ना। और मेरे ख्याल से काफी लोग एग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं बोलती। गाड़ियां पसंद है वो, मतलब हार्डकोर कार लवर होते ही है ना। तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर बारिश हो रही है और हमें खोलना नहीं पड़ रहा और पानी अंदर नहीं आ रहा। लड़कों की अगर नजर से देखो तो लड़की चली जाए चलेगा, गाड़ी नहीं जानी चाहिए। कार ऐसी होती है उनकी, डिक्की होए चाहे बोनट होए, हर चीज उनकी फैब होती है। चलो ठीक है, ज्यादा खुल के नहीं आते, घर चलते हैं। और ऊपर देखो सनरूफ के बाहर
बिल्डिंगे बिल्डिंगे दिख रही है मुझे, बिल्डिंगे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं पसंद मुझे, ओपन वातावरण पसंद है। तो हम इसको अपने घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को भी रास्ते से कलेक्ट करेंगे, नहीं लग, देखते हैं। तो गाइस फिलहाल पहुंच जाते हैं घर पे, दोबारा कैचअप करते हैं, देखते हैं बच्चों को कलेक्ट करते हैं कैसे, टाइम तो है। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं, थोड़ा सा कुछ खा रहे, किड्स आए हैं स्कूल से और मैं उनको दे रही हूँ कुछ डिलीशियस। देखना चाहेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, सब देखेंगे। सो ये है किड्स के लिए कुछ कुछ यमी एंड डिलीशियस, लग रहा है ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस। ये है मोदक, मैंगो मोदक है, ये बर्फी है, काजू कतरी, ये देखिए, बस। और ये दही है, ये मैंने कुछ स्प्रिंकल किया है चॉकलेट के ऊपर, एंड ये मैंने वेफल के ऊपर हर्षी डाला है अलोंग विथ सौंफ। अब आप देख लीजिए कितना प्यारा बन गया, चलती हूँ दे देती हूँ उनको। ज़्यादा है ना ये, मैं भी बना रही हूँ अदरक वाली चाय, नहीं थोड़ा बहुत फर्क होगा, ठीक है चलेगा। तुम काहे हंस रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? ये हैरान परेशान है कि अब मुझे बर्तन धोने को मिलेंगे या नहीं। ये सारे वो तो एक्चुअली वहाँ पे क्रोमस है ना, तो उनका एक नंबर डालो ना तो सब कुछ आ जाता है उसमें। अभी ना कोई पकड़ा देते हो, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे हो रहे हैं ये देखो, ये हैं मेथी के पराठे, मतलब मेरे स्केल के ऊपर ये 50% है, क्योंकि इनमें ना ऑयल लगाया गया है ना इनको प्यार से संजोया गया है, संजोया। और हम खा रहे हैं बेशर्मों की तरह, कैसे भूख लगी है तो पहले खा लेते हैं, और टीवी में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, और ये बंदा भी खा रहा है। ये हंस क्यों रहा है, आदमी को समझ नहीं आ रहा, इसने अपना व्लॉग स्टार्ट किया फिर उसमें हंस पड़ा, फिर मुझे देख के हंसता रहा हंसता रहा, मैंने कहा अरे पूत चढ़े होते हैं। हंस हंस, चलो हंसते रहना चाहिए, अच्छी बात है हंसना, लेकिन आपके साथ का बंदा अगर हंसे तो लड़कियों को हजम नहीं होता कि बेटे कुछ तो गड़बड़ है। चलो एनीवे हाँ हमारे साथ। सो गाइस दिस इज़ कॉल नाउ इवनिंग टाइम, और बच्चे जो हैं वो अम्मा बाबा के यहाँ पे हैं, और हम लोग अभी बैठे हैं काम कर रहे हैं। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, बिकॉज आज का तो हो गया मेरा, मैं आपसे मिलती हूँ कल इन माई न्यू व्लॉग। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो दिल में हैं, लव यू ऑल, बाय।